क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। सर, मैं शुरुआत में इस शेर से आगाज करता हूँ अपनी बात का कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर, सच्चाई ये है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर, अगर हमको रिफॉर्म करना था, इसलाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है। हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। NCRB का डेटा है 2017-21 का। 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ले दीजिए, इसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए। आज भारत की जेलों में 30% डिटेन्यूज मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डिटेन्यूज थे, आज 83.9% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान डिटेन्यूज है। सर, एक और मिसाल दे रहा हूं, CSDS की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा, जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 ऑफ द सर्वेड पुलिस पर्सनल बिलीव that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. उस CRPC के अंतर्गत महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कितने साधु संतों ने, अभी हमारे एक साथी संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का। 161 का बयान होता है, 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर के पूछताछ की जाती है, जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है आप कहाँ हो। महोदय, अपहरण किया गया, 13-13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है और किसी और ने हम नहीं झेला। महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोकतंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे।